आप देख रहे हैं गुप्त न्यूज बरियारपुर मुंगेर से नरेश आनंद की रिपोर्ट। कासिम बाजार थाना क्षेत्र के सर्किल इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार जब लल्लू पोखर निवासी संजय पद्दार के घर एक कांड के पूछताछ के लिए गए तो वो घर पर नहीं थे, लेकिन घर से कुछ संदिग्ध व्यक्ति का नजर आया। जानकारी के अनुसार कासिम बाजार थाना के सर्किल इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि शनिवार को देर शाम कासिम बाजार थाना 219-24 के पूछताछ करने लल्लू पोखर स्थित बादी संजय पोदार के घर पहुंचे थे। उन्होंने आवाज़ लगाई तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन घर के अंदर हरकतें हो रही थी जिसमें तीन युवक शंका के आधार पर पकड़े गए। तीनों के पास शावल पिलास छेनी सहित अन्य सामान थे जो घर के अंदर ताला टूटा हुआ था। जब स्पष्ट हो गया कि तीनों युवक चोरी के नियत से अंदर घुसे थे तो तीनों को पकड़ लिया, जो कासिम बाजार थाना क्षेत्र के बेलन बाजार निवासी 22 वर्षीय सावन कुमार, अड़गरा रोड निवासी 21 वर्षीय सागर कुमार। पूछताछ में तीनों ने बात स्वीकार करते हुए कहा इससे पूर्व भी वो सुनसान घर में चोरी कर चुके हैं। पकड़े गए चोरी के प्रत्युक्त होने वाले सामानों के साथ कासिम बाजार थाना पुलिस को सौंप दिया गया है। विदित हो कि संजय पोद्दार किसी काम से घर को बंद कर बाहर गए हुए हैं। इधर कासिम बाजार थाना पुलिस ने गिरफ्तार चोरों के खिलाफ प्राथमिकी